हेलो स्टूडेंट्स गुड ऑफ यू आई एम डिस्कस प्रॉब्लम जो कि जे ट्वेंटी फोर में पूछा गया मेंस में फ्रॉम द करंट इलेक्ट्रिसिटी सो इन द गिवन सर्किट द टर्मल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज सो हमें यहाँ पर टर्मल वोल्टेज निकालना है सो वी नो दैट टर्मल वोल्टेज सिंपली इक्वल टू वी इज इक्वल टू एम एफ माइनस आई एंड इंटू इंटर रजिस्टेंस ऑफ द सेल सो ये फॉर्मला है टर्मल वोल्टेज निकालने का तो so स्टूडेंट्स यहाँ पर ई एम एफ हमें पता है सेल का ई एम एफ जो है वो तीन वो वोल्ट है हमें यहाँ पता करना है सिंपली करंट का ओके सो करंट का एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं करंट इज सिंपली ई एम एफ अपॉन और नेट वी कैन सी दैट जो टोटल है सर्किट का वो हमें लिखना है यहाँ पर देखिए ये जो चार और चार है ये दोनों आपस में जो है वो पैरल में है और चार और चार का जो पैरल है वो बन जाएगा दो लाइक यहाँ से बन जाएगा वन फोर प्लस, वन फोर, सो इट इज़ लाइक और फिर बाद में रेसिप्रोकल करने पर आरपी की वैल्यू जो है वो दो आ जाएगी तो ये चार और चार पैनल में इनका दो बन गया और ये कॉम्बिनेशन इस इंटरनल रजिस्टेंस के साथ ऑब्वियसली सीरीज में है तो यहाँ पर जो सर्किट की नेट रजिस्टेंस बन रही है हमारे पास वो बन रही है सो जो आर नेट बन रहा है सर्किट का वो बन रहा है दो प्लस एक दैट इज थ्री ये एक है स्टूडेंट्स और इन चार चार का दो तो यहाँ से हम करंट निकालेंगे इट इज़ ईमए और अपॉन आर नेट सो ई एम एफ है थ्री और आर नेट की वैल्यू भी अपने पास थ्री है सो यहाँ से करंट की वैल्यू आ रही है वन नाउ so करंट हमें मिल चुका है अब हम ईजिली जो है टर्मिनल वोल्टेज निकाल सकते हैं सो टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू थ्री माइनस आई की वैल्यू भी वन है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी वन है सो इट इज थ्री माइनस वन दैट इज टू सो टर्मिनल वोल्टेज का आंसर है हमारे पास स्टूडेंट्स टू सो टू इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन थैंक यू